कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। दरअसल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को दो पार्ट में, दो भागों में बांटा गया है। पहला की ग्रुप। तो चलिए सबसे पहले इसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। पहला की ग्रुप। की ग्रुप मैनेजमेंट में एक चीफ ऑर्गन के नाम से काम करता है। चीफ ऑर्गन, इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर को चार्ज करता है, देखरेख करता है वो। तो प्रश्न यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि इस की ग्रुप का क्या काम है, क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आइए की ग्रुप के जो भी काम है वो हम देखें। पहला, टू मेक द एंटिटी पर्पजफुल एंड प्रोडक्टिव। अगर एंटिटी का कोई पर्पज ही नहीं रहेगा, प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस काम का। इस वजह से की ग्रुप का ये मेन काम होता है। दूसरा, टू इंटीग्रेट डाइजोगनाइज रिसोर्सिस इनटू वॉल। मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सिस हैं, मतलब मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ऐसे जितने भी रिसोर्सिस हैं उसे इंटीग्रेट करना, जोड़ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्य हो रहा है वो बड़ी ज़्यादा कार्यक्षमता से हो पाए। पॉइंट नंबर 3, टू यूटिलाइज डाइवर्स रिसोर्सिस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सिस को जितना ज़्यादा यूज हो सके उतना करना चाहिए। की ग्रुप का यही काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से फ़ायदा हो उस तरीके से काम करा जाए। पॉइंट नंबर 4, टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड इट्स एडॉप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को तरह तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उसे एडॉप्ट करना, जो भी चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, उसे एडॉप्ट करना, एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज प्रोवाइड करना। तो ये चार तरीके के काम होते हैं की ग्रुप के। ये चार तरीके के ग्रुप आपको याद रखने हैं। याद रहे कि ग्रुप एक चीफ ऑर्गन की तरह काम करता है। आइए मैनेजमेंट के दूसरे सेंस, दूसरे पार्ट की ओर बढ़े। मैनेजमेंट के दूसरे पार्ट में तरह तरह के फंक्शंस दिए रखे हैं जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये जैसे वो फंक्शंस हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्ट का वर्क क्या होता है। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा की मैनेजर की ग्रुप का वर्क क्या होता है, तो वहाँ पे हमने चार पॉइंट देखे थे। उसी तरीके से इस ग्रुप का भी वर्क देखते हैं कि इस ग्रुप का क्या काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, टू डिटरमाइन गोल। अगर कंपनी का, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल ही नहीं रहेगा तो कंपनी किस काम की, ऑर्गेनाइजेशन किस काम का। इसलिए सबसे पहला काम होता है डिटरमाइन गोल्स। इसके बाद दूसरा, टू डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस को डिज़ाइन करना, उसे एक तरीके से काम प्रोवाइड करना, प्रॉफिट आए ऐसा काम करना, ये काम होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, मोबिलाइज एंड एक्वायर रिसोर्सिस। रिसोर्सिस को चेंज करना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से रिसोर्सिस को चेंज करना, उसे एक्वायर करना, ये वर्क होता है। पॉइंट नंबर 4, टू अलो एंड एलोकेट टास्क एंड रिसोर्सिस। रिसोर्सिस एंड टास्क को काफ़ी सारे वर्कर्स के बीच में अलो करना, एलोकेट करना, ये भी काम होता है। पॉइंट नंबर 5, टू इंस्टॉल कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करना ताकि सारे वर्कर्स अच्छे से काम कर पाए और ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कर पाए। देखिए, मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना ही करने की ज़रूरत है।
उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने मॉड्यूल के पेज में देख सकते हैं कि आपको नीचे अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो आइए उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि मैनेजमेंट इज़ एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, मतलब कि मैनेजमेंट एक निरंतर चलते रहने वाली प्रोसेस है, चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट गिवन है कि मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस प्रोसेस क्यों है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं टू मेक थिंग हैपन, टू गेन कमांड ओवर फेनोमेना, टू इंक्लूड मतलब कि डायरेक्ट करना पीपल को इन पर्टिकुलर मैनर। यहाँ पे तीन पॉइंट आपने देखे। सबसे पहला कि थिंग्स को हैपन हो सके इस तरीके से काम करना, दूसरा कमांड को इनक्रीज कर पाए जिस सिचुएशन आए उस तरह से, और तीसरा हमने देखा टू डायरेक्ट करना पीपल को पर्टिकुलर मैनर में ताकि हमारा वर्क अच्छे से हो पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है कि मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस प्रोसेस तो है, लेकिन इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि मैनेजमेंट को इंक्लूड करना चाहिए, मतलब कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस तो है लेकिन उसे इंक्लूड करना होगा। उसके पास ज़रूर से होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहला पावर, दूसरा कॉम्पिटेंस, तीसरा नॉलेज, चौथा रिसोर्सेज। ये चार तरीके के पावर्स इनके पास होने चाहिए, चार तरीके के एलिमेंट्स इनके पास होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर की बात करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल, वैल्यू, स्ट्रेटेजी, उस पर मैनेजर को ध्यान देना चाहिए ताकि हम उसके साथ कोप अप कर पाए, अडॉप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए, ताकि हम एनवायरनमेंट में जो भी बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ हम अडॉप्ट हो सके, कोप अप हो सके, एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी डेफिनेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे।